मंकी कैप लगा दिया गया है। हमाद की मंकी कैप। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नजारे देखने। कितना फॉग है। कितना फॉग। कोहरा गिर रहा है, कोहरे के साथ ऐसा लगा। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना बनने वाला है बथुए के पराठे, और बहुत ही यमी बनते हैं बथुए के पराठे। आप लोगों ने खाए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो बस सायमा से मैंने बोल दिया है कि तुम बथुए को तोड़ दो, यानी पत्तियाँ उसकी अलग कर दो। और मैं ना बथुआ बहुत ज़्यादा लेती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने सायमा को बोल दिया ये करने के लिए। नानू पापा कहाँ चले गए? नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, आप लोग खेलो। सही है, ज्यादा बथुआ डाल के कम आटे के पराठे बनाएंगे। जी भाई आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इधर ना फ्रूट आए हुए थे, वो रखे हुए थे, तो ये हुआ कि इसे कट कर लेते हैं, सभी लोग बैठ के खा लेंगे आराम से। तो पपाया बहुत टेस्टी था, तो इन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद है। हमाद को आप देख सकते हो किस कैसे ये खा रहे हैं, इनके खरगोश ऐसे दांत है ना आगे के, उसे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ये खा रहे थे। फिलहाल तो सभी लोगों ने बैठ के खा लिया। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जब कोई नई कोई चीज़ खाई जाती है ना, तो सब के साथ मिल बैठ के खाओ ना, तो बहुत जल्दी वो चीज़ फिनिश भी हो जाती है, आराम से बच्चे खा भी लेते हैं। इधर ना फ्रेंड्स, मैंने शाम को बच्चों के लिए नूडल मंगवा दिए थे, यानी चाउमिन मंगवाई थी, मोमोज मंगवाए थे। यहाँ चिकन मोमोज तो मिलते नहीं, हमारे यहाँ वेज मोमोज मिलते हैं, तो हमने वेज मोमोज मंगाए हैं, और सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं फिलहाल, तो ये बच्चों को खिलाएँगे। अनाजा यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या मंगाया है। ये क्या है? ये प्लेट है। इसके अंदर क्या है? फॉग है। अरे वाह, इसके अंदर जो भी है, मैं इसे इसके अंदर जो भी है हम इसे ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें हम ओपन करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। घी क्या है? घी नहीं है इसमें भैया, टेस्टी टेस्टी सा फूड है, यम्मी यम्मी सा फूड है। चलो इसे ओपन करते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है? आ गई है अच्छी वाली चाउमिन एंड मोमोज। मारिया मारिया आप एक दस्तों का निकाल लाइए, बैठ जाओ, ठीक है? दे दो भाई दे दो। अम्मी चलिए शुरू करिए। अनायजा कैसा लग रहा है? यम्मी, चलिए खाइए मोमोज, खा रहे दो कच्चा। डालती है ये, डाल दीजिए इसको, निकाल दीजिए। हाँ अनायजा के लिए, नहीं नहीं प्लेट में रख दीजिए, मोमोज खाइए ना वो। ठीक ठाक है? अच्छा चलो, अच्छा लगना चाहिए। और क्या भैया, चिकन मोमोज खाने वाले? वेज मोमोज। हाँ हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। ये दे दो, लो मोमोज पकड़िए। हमजा आप मोमोज लीजिए, मोमोज लीजिए। हमजा खाने हमाद हमाद के मंकी कैप लगा दिया गया है। हमाद हमाद के मंकी कैप। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नजारे देखने। आपको हर जगह दिखाया हमारे घर की, तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं फॉग देखने अपने मंकी के साथ। चलो 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 चले, चलना नहीं है। वाओ कितना फॉग है। कितना फॉग। आइस देखो, आइस देखो, आइस। भैया बहुत ज्यादा ठंड है भैया, भाग चलो बच्चे लेके। हैं इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी आ रही है। देखो भैया फॉग, देखिए फॉग, फॉग यहाँ। ओहो ओहो
मंकी कहाँ है जी? यहाँ है मंकी ट्रीज। और एक ये मंकी है, एक ये मंकी है। और ये भाग चल साहब, बहुत सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, ठंडा है बहुत ज्यादा। हैं, दिखना बंद हो गया है। वो सियाचिन की जो है मतलब मना कर रही है कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो सियाचिन वाली मना कर रही है, वो करी हम नहीं जाएंगे। आजा आजा आजा, बहुत कूल कूल हो रहा है, चलो भाग चलो जल्दी। सच में ठंडा यार, ओस गिर रही, ओस देखो सब सब भीग जाओगे। आजा आजा आजा, मंकी प्लीज देख तो लिया बेटा, मंकी आ रहा है, पता नहीं पता नहीं, हमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो चलो भैया, बहुत ज्यादा ठंडा है। अनायजा चलिए बेटा, कूल कूल बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत कूल कूल नहीं अम्मी, बहुत ठंडा है। नहीं अजीब टाइप की गलन ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडा है, कोहरा गिर रहा है, कोहरे के साथ ऐसा लगा ओस भी गिर रही है, बहुत ज्यादा ठंडा है। बाहर चेक कर लेते हैं कहीं कपड़े तो नहीं पड़े बच्चों के। तो बाहर सिर्फ और सिर्फ हमारी साफियां हैं जो हम उतार लेंगे। बहुत ज्यादा बाहर ठंडा था इसलिए हम लोग अंदर आ गए बच्चों को लेके। अब हम लोग खाना पीना खाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये व्लॉग ना 2 दिन का है, मॉर्निंग हो गई है तो मैंने बथुए के पराठे आज के लिए सोचा था बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा इन सब का पानी चेंज कर देती हूँ। आज मैंने फ़िश का ही पानी चेंज किया, उन्हें खाना दिया, और फिर मैं ना ये पॉट जो है ना, इनका भी मनी प्लांट वगैरह ये सारा पानी फेंक के इनका और चेंज करके दूसरा पानी इसमें रखूँगी। और इसमें मैं एक फर्टिलाइज़र डालूँगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो पानी मैंने चेंज कर दिया है, इसे अच्छे से वॉश भी कर दिया है। हफ्ते में एक बार तो पानी चेंज कर ही देना चाहिए, या 10 दिन में आप कर दो। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र है मेरे पास, और वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरे पास है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसका ही मैंने पानी चेंज कर दिया, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चमत्कार, जिसकी मैं एक एक या दो दो ड्रॉप मैं इसमें डालूँगी, और ये ना बहुत अच्छा है वाकई। इसका स्प्रे भी मैं करती हूँ प्लांट में, और ऐसे भी डाल देती हूँ। वैसे मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं और कामों में बिज़ी रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं डालती हूँ। वैसे हफ्ते में अगर एक बार इसका स्प्रे करें ना, तो जो लीफ होती है ना हमारी, उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने अभी ना बैम्बू प्लांट में भी अपने इसमें ऐड किया था, तो वो जैसे वो येलो कलर हो रहा था ना उसका, वो चेंज हो गया था, वो ग्रीन हो गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लिक्विड मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, दो दो ड्रॉप मैंने डाल दिए हैं दोनों में, और मैं अब इसमें ये लगा दूँगी। तो इससे ना हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो अच्छी होगी। तो खैर ये कर दिया है मैंने, अब इसे रख देंगे और अब चलेंगे बथुए के पराठे बनाने। तो फ्रेंड्स, बथुआ देखिए मैंने इस तरीके से तोड़ के रखवा दिया था सामा से फ्रिज में, और ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। इधर है ना मेरे पास ज़ीरा है, भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा धनिया है, आप ना भी भुने तो भी यह चलेगा। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी होती, क्रश करके मैंने हाथों से मसल के ली है। कसूरी मेथी है, कुटी हुई मिर्च है, थोड़ी सी मैंने हींग ली है, हींग का फ्लेवर ही बहुत अच्छा लगता है, नमक लिया है, और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और ये आटा है फ्रेंड्स, गेहूं का आटा है, ये मैंने थोड़ा सा लिया है, मैं बहुत ज़्यादा आटा नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बथुआ ज़्यादा आटा कम। फिर बनाएंगे पराठे, और बहुत ही यम्मी लगेंगे जब इस तरीके से बनाएंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना बथुए को या तो फिर आप कैंची से काट ले, सीज़र से आप काट सकते हो, या नाइफ से काट सकते हो आप, या इस तरीके से कोई चॉपर है आपके पास तो आप चॉप भी कर सकते हो। तो मैं बस चॉपर से चॉप करूँगी, ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप चाहो तो कैंची से काट सकते हो, आराम से कट जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बॉयल करके नहीं कभी बनाती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो बॉयल यानी उबाल के बनाते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बनाती। मैं बस क्या करती हूँ, काट लेती हूँ इसे, या फिर चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। तो बस सारे जो बथुआ है ना हमारे पास, उसको सबको चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने चॉप कर लिया है, इसके बाद ना मैं ब्लेड इसका हटा दूंगी। देखिए मैंने ये वाला ब्लेड हटा दिया है, अब मैं जा रही हूँ आटा यानी डो तैयार करने के लिए। तो ये डो वाला जो ब्लेड है ना, वो मैं लगा लेती हूँ, और इससे मैं आटे को डो बनाऊंगी। बस ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, अब मैं एक एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी। आटा है, मसाले हैं हमारे पास, वो जाएंगे, और फिर बथुआ भी जाएगा, तो मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना ड्राई जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, वो मैंने सारे शामिल कर दिए हैं, और इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा आटा भी लिया।
बस थोड़ा थोड़ा करके मैश करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इस टाइम ज़्यादा है, क्योंकि माशाल्लाह से लोग घर में ज़्यादा हैं, तो मैं ज़्यादा सभी लोगों के लिए बना रही हूँ। और ये पराठे सभी लोग खा लेते हैं माशाल्लाह से, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। पहले मैंने सोचा था रात में मैं डो तैयार करके रख दूँगी, सुबह मैं जल्दी जल्दी उठूँगी और बना लूँगी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला रात में तैयार करने का। इतना बच्चे परेशान करते हैं, इतना शोर करते हैं कि कोई काम करने ही नहीं देते हैं। वो उधर से आ रहे, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, माँ मुझे उसने मारा है, माँ मुझे बचाइए, यही करते रहो सारा दिन। तो बस फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। बहुत आसान हो जाता है जब इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिला दिया, ये आप देख सकते हैं ये। और इसके बाद ना मैंने यहाँ की सफाई कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अभी डो हमारा तैयार नहीं हुआ है, डो को अभी हमें तैयार करना है, बस थोड़ा टाइम लगेगा और डो हमारा रेडी हो जाएगा। अभी मैंने पानी भी बिल्कुल भी इसमें नहीं शामिल किया है, मैं अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ले लेके और डो तैयार करूँगी। बस थोड़ा सा पानी लगेगा, मान के चलिए बस 50 ml के करीब लगा है पानी और ये डो हमारा रेडी हो गया। बथुए में भी इतना पानी रिड्यूस होता है कि उससे आटा अच्छे से तैयार हो जाता है, ये देखिए। और हमें थोड़ा सा टाइट डो बनाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। इधर ना बच्चों के लिए अपी ने हेल्दी सी खिचड़ी बनाई है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इसमें बस थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दें आप बच्चों के लिए, और थोड़ा सा अनियन लिया है और इसमें सारी वेजीज डाली हैं। आप कोई भी बच्चे जो भी खाते हो या जो भी आप डालना चाहो आप डाल सकते हो इसमें। इसके बाद दाल मूंग की ली है और चावल लिए हैं थोड़े से, चावल कम लें दाल ज़्यादा लें, बस वो इसमें मिक्स कर दी है अच्छे से और अच्छे से इसको पका लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी मटर ले ली अपी ने, वो भी इसमें शामिल कर दी। इसमें धनिया भी शामिल किया है, पालक भी है फ्रेंड्स, गाजर है, गोभी है, बहुत कुछ इसमें जो भी आपके पास हो वो शामिल कर दें इसमें। और इसके बाद ना इसमें पानी ऐड कर दें, पानी इतना रखें थोड़ी सी गीली बने, यानी बहुत ज़्यादा सूखी ना हो, ताकि बच्चे आराम से खा लें। नमक इसमें शामिल करेंगे और पानी अपने हिसाब से ऐड करने के बाद ना इसे लिड से कवर कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी हाँ फ्रेंड्स डाल दी है ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे, और हल्दी ना हेल्दी भी होती है हल्दी इसलिए हल्दी को शामिल कर लें खाने में। तो इसे लिड से कवर कर देंगे और अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म सबको खिलाते जाएंगे। तो मैंने तो सबसे ही बोल दिया कि एक एक करके मम्मी बैठा लिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं बनते पराठे, थोड़ा टाइम लगता है। खैर वो दो तीन जब पराठे बन गए थे ना, तब मैंने आवाज़ लगा दी थी और सब लोग बैठ गए थे पराठे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स भैया ना चाय के साथ पराठा लेंगे, भैया को चाय के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, सभी को हमारे यहाँ फैमिली में चाय के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बथुए का हो, गोभी का हो, आलू का हो, किसी भी चीज़ का हो, चाय जब होती है ना साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने चटनी भी बनाई है इसके साथ, कुछ लोग सॉस के साथ खा रहे हैं, चटनी है, अनियन है, तो बहुत ही यम्मी लगेगा पराठा। अगर अच्छा ये बताइएगा आप लोग को चाय के साथ पराठा अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी फैमिली में तो ज़्यादातर लोगों को पसंद है। तो फ्रेंड्स बस बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म सबको खिलाते जाएंगे। तो बथुए के पराठे में फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। मोस्टली जैसे पराठों में टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे आलू भरे पराठों में टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे इसमें नहीं लगता। बस डालो ऑयल, इसमें ऐड करो और बना लो। फ्रेंड्स मैं ऑयल ना सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का ऑयल ना बहुत ही कम ऐसा होता है जो नुकसान करता है, तो इसलिए मैं ऑयल सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी पराठे हैं, आप लोग ज़रूर इसे इसकी रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के पराठे कैसे बने हैं। तो बस मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए, सब लोग खा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। तो मैं पराठों को एंजॉय करती हूँ, आप भी हमारे साथ आइए और इस सर्दी में बथुए के पराठे खाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।